वन इंस्टेंस हम सब जानते हैं कि आइंस्टाइन डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ ब्लैक होल्स, कि आइंस्टाइन बिगनिंग से ही ऑल्दो ब्लैक होल्स जनरल रिलेटिविटी की एक प्रेडिक्शन थी, आइंस्टाइन ब्लैक होल्स के कंसेप्ट को इग्नोर करना चाहते थे। एंड डू यू नो द फैक्ट कि इन 1939 आइंस्टाइन ने एक रीजनिंग भी दी कि ब्लैक होल्स क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इन अ पेपर आइंस्टाइन ने क्या किया कि उन्होंने एक इमेजिनरी काइंड की क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स को एज्यूम किया, क्योंकि उस टाइम इट वाज नॉट नोन कि एक ब्लैक होल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो व्हाट ही डिड कि एज्यूम अ क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स जहां पे ग्रेविटी बहुत हाई होगी, जहां पे अराउंड अ सिंगल पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल्स रिवॉल्व करेंगे द सेम वे एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर व्हाट आइंस्टाइन थॉट कि जो क्रिटिकल सर्कमफ्रेंस हम लोग सोचते हैं फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग टू बिकम अ ब्लैक होल, अगर इफ आई एम कंसिडरिंग आई एम गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर, जो भी मेरे पार्टिकल्स हैं मैं इस काइंड के स्फीयर को ऑफ क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स छोटा कर रहा हूँ, तो मेरे पार्टिकल्स विल बिकम क्लोजर एंड क्लोजर टू द सेंटर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स एंड इनकी स्पीड हायर एंड हायर होती जाएगी। लेकिन अगर मैं इस सर्कमफ्रेंस को 1.5 टाइम्स द क्रिटिकल सर्कमफ्रेंस टू बिकम अ ब्लैक होल कर देता हूँ एंड अगर ये इससे छोटी वैल्यू हो जाए ये सर्कमफ्रेंस, तो ये जो पार्टिकल्स होंगे ड्यू टू दिस हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन्हें हायर देन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना पड़ेगा ताकि ये इनवॉल्व टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द दिस काइंड ऑफ क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स पुल ना हो। एंड सिंस स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड करना इम्पॉसिबल है, मतलब इट इज रियली इम्पॉसिबल कि इस काइंड के क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स के पास 1.5 टाइम्स द क्रिटिकल सर्कमफ्रेंस से कम सर्कमफ्रेंस हो। एंड दैट इज द थिंग कि देयर इज नो वे कि स्क्वाशचेल सिंगुलैरिटीज एज ब्लैक होल्स को कहा जाता था इन दोस टाइम्स इन द टाइम्स ऑफ 1920s एंड 30s। सो आइंस्टाइन थॉट कि ब्लैक होल्स दैट इज स्क्वाशचेल सिंगुलैरिटीज एग्जिस्ट इन आवर यूनिवर्स नहीं कर सकती। थैंक यू।